शादी के बाद लड़कियों के शरीर में बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। सो वो सारे चेंजेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंटिमेट होते हो, सेक्स करते हो या शादी हो जाती है, तो उस दौरान आपके शरीर में, स्पेशली फीमेल के शरीर में, क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ऐसे ही विमेन्स और गर्ल्स टॉक से रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे तो मुझे जरूर लिख भेजिएगा। अगला वीडियो आपके टॉपिक पे हो सकता है। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी नई नवीली दुल्हन को देखते हैं, सबसे पहला हम लोग उसको यही सेंटेंस मारते हैं कि अरे वाह क्या ग्लो आया हुआ है। सो क्या वाकई में शादी के बाद ग्लो आ जाता है चेहरे पे? आसपास देखो, नोटिस करो, जब भी किसी की शादी होती है तो दुल्हन स्पेशली बहुत ब्लश करती है और उसके चेहरे पे तो अलग से निखार रहता है। वो निखार पार्लर का रहता है या फिर शादी के बाद वाला निखार रहता है? एक्चुअली में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं शादी के बाद, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। एक एक फैक्टर के बारे में आपसे बात करूंगी। तो हाँ, ये बात तो सच है कि के बाद दुल्हन के चेहरे पे ग्लो आता है, ब्लश होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वो लगने लग जाती है। सो ये तो फैक्ट है। सो गाइस, शादी के बाद जब आप इंटिमेट होते हो तो उस दौरान फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनके जेनिटाइल, उनका ब्रेस्ट एरिया, क्लिटोरिस वाला एरिया, ये सब में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और ये स्वेल्ड अप हो जाते हैं। ये सारे एरिया और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और वजाइना अपना कलर भी चेंज कर देता है। ये डार्क कलर में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा पर्पलिश कलर में हो जाता है। सो ये इंटिमेट होने के दौरान ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट और निप्पल इरेक्ट हो जाते हैं और ब्रेस्ट का साइज भी थोड़ा ज्यादा आपका बढ़ जाता है, बट ये चेंज टेम्पररीली होता है। इंटरकोर्स के दौरान ये चेंजेस होते हैं। जैसे इंटरकोर्स फिनिश हो जाता है, आपकी फिजिकल बॉडी बैक टू द नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, बट उस दौरान ये सारे फिजिकल चेंजेस हर वुमन की बॉडी में अक्सर होता ही है। शादी के बाद जब आप इंटरकोर्स करते हो, लड़कियों की फिजिकल बॉडी में ये चेंज तो होता ही होता है कि आपकी वजाइना अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वहां का ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है, वजाइना अपने आप को ल्यूब्रिकेट करना स्टार्ट कर देता है, नेचुरल फ्लूइड ल्यूब्रिकेशन के तौर पे निकलता है, जो आपकी वजाइना को बहुत ज्यादा स्लिपरी बनाता है, जो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोसेस को और ज्यादा स्मूद करने में हेल्प करता है। आपकी पूरी बॉडी टेंस्ड अप हो जाती है, चाहे वो हार्ट रेट हो, ब्रीदिंग हो या आपका बीपी हो, सब बढ़ने लग जाता है, तेज होने लग जाता है, आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस फीमेल बॉडी में होते हैं। नाउ फोर्थ स्टेप पे जब आप क्लाइमेक्स को रीच करते हो, ये चाहे गर्ल हो या बॉय हो, आपके बॉडी के अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्लो कर रहा होता है, आप बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील होते हो, यू हैव अ प्लेजर एट दैट मोमेंट, आप अपनी ही बॉडी से बहुत ज्यादा अमेज्ड फील करते हो। एंड आफ्टर दैट आपको फील होता है कि आपके मसल्स, आपके वजाइना के मसल्स आपस में अपने में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपको काफी अच्छा फील हो रहा होता है उस टाइम। उस दौरान पूरी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स की पहल स्टार्ट हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स दौड़ते हैं जो आपको अच्छा फील कराने में, रिलैक्स्ड फील कराने में बहुत हेल्प करते हैं। वैसे इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना, तो आपको हैप्पी फील कराता है, एक अलग सी बॉन्डिंग फील कराता है आपकी, आपके पार्टनर के साथ प्यार आप दोनों के बीच में और ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है इस हार्मोन की वजह से। प्लस आप अपने पार्टनर के साथ और भी ज्यादा अटैच्ड फील करते हो। आफ्टर क्लाइमैक्स फीमेल बॉडी फिफ्थ स्टेज पे आती है। अब तक जितने चेंजेस आपने नोटिस किए थे ड्यूरिंग इंटरकोर्स, आपके चीक्स लाल हो जाते हैं, चेहरा ग्लो करता है, ब्लश करता है, आपके निप्पल से सेंसिटिव हो जाते हैं, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपकी वेन्स डायलेट होने लग जाते हैं, बॉडी पंप हो जाती है, वजाइना कॉन्ट्रैक्ट करती है, कलर चेंज हो जाता है, क्लिटोरियस स्वेल्ड अप हो जाता है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में उस दौरान हो रहे होते हैं। बट जैसे ही आप क्लाइमैक्स रीच करते हो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और उसके कुछ देर बाद आप फिफ्थ स्टेज पे आते हो, जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी बैक टू द नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, इंटरकोर्स के पहले वाले स्टेज पे, जैसे आप पहले थे उस स्टेज पे आपकी पूरी बॉडी आ जाती है। साथ ही साथ आपका हार्ट रेट, बीपी, ब्रीदिंग सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है, जो वजाइना का कलर चेंज हो गया होता है वो बैक टू द नॉर्मल आ जाता है, जो निप्पल्स प्रेस सेंसिटिव और पंप अप हो जाते हैं वो ठीक हो जाता है, आपका हार्ट रेट सही हो जाता है, पहले जैसा ही हो जाता है, मतलब जितने भी चेंजेस आपकी बॉडी में आए होते हैं वो सारा बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ। So, इससे आपने क्या समझा? इंटरकोर्स के बाद आपकी जो बॉडी में, फीमेल बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं बाद में, पोस्ट इंटरकोर्स सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। So, कुछ लोग जो पहले से ही विमेन को टारगेट करते हैं कि उसने तो भाई पहले से ही सब कुछ कर रखा है, ये वो, ऐसा कोई जज नहीं कर सकता, आपको देख करके कोई जज नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा इंटरकोर्स के दौरान चेंज होती है और इंटरकोर्स के बाद बैक टू द नॉर्मल पोजिशन पे आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपने इंटरकोर्स कर लिया तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे जो दूर से आते जाते लोग आपको पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है।
एक चेंज आ सकता है, आप ही नोटिस कर सकते हो, जैसे कि आफ्टर इंटरकोर्स जो फीमेल बॉडी के अंदर ना बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके रेगुलर पीरियड्स आते थे ना, वो हो सकता है कि इरेगुलर हो जाए। जरूरी नहीं है, बट हाँ कभी कभी ये इरेगुलर हो सकते हैं। बट पीरियड इरेगुलर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गए या कुछ हो गया, ये बस आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर रहे हो ना, तो लाइफ स्टाइल आपकी जैसी रहती है उससे रिलेट और उसका ही रिफ्लेक्शन आपके पीरियड्स पे पड़ता है, तो ये एक चेंज होता है, ठीक है। पर ये भी ठीक हो सकता है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना अगर पीरियड्स इरेगुलर हो जाए तो। सो ये सारे फीमेल बॉडी में चेंजेस होते हैं और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये चेंजेस नॉर्मल हैं, होते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं विमेन ने इंटरपोज किया है, अकेले तो नहीं किया, वैसे तो मेल के साथ ही किया ना, फिर भी उसको बोलते हैं कि इसकी वर्जिनिटी लूज हो गई है, लॉस्ट वर्जिनिटी, वर्जिनिटी टेस्ट होते हैं आज भी बहुत सारी जगह पे होते हैं जो कि बहुत ही वाहियात से चीजें हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ। ऐसा कोई मेडिकल तरीका नहीं है, ना कोई औजार है, ना कोई टेक्नोलॉजी है जो आफ्टर इंटरकोर्स विमेन की बॉडी पार्ट्स को देख करके बता पाए कि इसने अपनी वर्जिनिटी लूज की है या इंटरकोर्स किया है, ऐसा नहीं होता है। दिस थिंग इज ऑल बुलशिट। लोग वर्जिनिटी को हाइमेन के टूटने से रिलेट करते हैं, लेकिन हाइमेन कोई दीवार नहीं है जो कि टूट जाए, एक थिन लेयर का टिश्यू होता है जो वजाइना की ओपनिंग में होता है और ये पूरी तरीके से वजाइना को कवर नहीं करता है। जस्ट सी द लॉजिक, हमारे जो पीरियड्स का ब्लड आता है वो वजाइना के थ्रू ही आता है, वजाइना को हाइमेन ने कवर कर रखा होता है लेकिन फिर भी पोर्स होते हैं, थोड़ा ओपन रहता है, मून शेप में होता है, वहीं से पीरियड्स का ब्लड आता है, तो वो कवर तो है नहीं पूरी तरीके से, तो वो वजाइना की दीवार कैसे हो सकती है जो कि टूट जाए, वो तो पहले से आधी खुली चीज है, आधा खुला टिश्यू है। हाँ, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो सकता है, जिसकी वजह से कभी कभार किसी किसी को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है। कुछ लड़कियां बिना हाइमन के पैदा होती हैं, किसी का हाइमन होता है। इसके ब्रेक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ इंटरकोर्स से ही थोड़ा बहुत स्ट्रेच नहीं होता है। अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हो या हॉर्स राइडिंग करते हो, डांस करते हो, जिमनास्टिक करते हो, फिजिकल एक्टिव रहते हो, रनिंग करते हो, तो ये भी नेचुरली अपने आप ही थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, जिसको टूटना कुछ लोग बोलते हैं, तो ये तो अपने आप ही हो जाता है, तो नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें आप किसी को जज कैसे करोगे। तो दुनिया में साइंटिफिक, लॉजिकली, फिजिकली किसी भी तरीके का कोई भी तरीका नहीं है जिससे जज किया जा सके कि विमेन ने अपनी वर्जिनिटी खोई है नहीं खोई है, और इस बारे में बात ही क्यों करना है यार, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जिसको जो करना है जैसे करना है करे, बस अपना थोड़ा ब्रेन यूज करो, अपना यूज ना होने दो, और अगर पार्टनर है तो आपस में बात करो, शेयर करो, अपना कम्फर्ट जोन बनाओ, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, नेचर देखो, ये सब चीजें, मतलब किसी की वर्जिनिटी है और वो कैरेक्टर में ही बेकार है, आप क्या कर लोगे। सो आप इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखो रेदर देन आप वर्जिनिटी टेस्ट के पीछे और व्हाइट बेडशीट टेस्ट के पीछे भागो। दैट्स व्हाट आई रेकमेंड, दैट्स व्हाट वी ऑल शुड फॉलो। रिस्पेक्ट विमेन, विमेन सिर्फ एक सेक्स करने का औजार नहीं है, सेक्स करने की वस्तु नहीं है, बहुत सारे रोल प्ले करती है अपनी जिंदगी में, ठीक है, और सारे रोल बखूबी प्ले करती है, तो आप सिर्फ एक चीज के पीछे उसको जज ना करें। लेट्स फोकस मोर ऑन एजुकेशन, चाहे वो गर्ल की एजुकेशन हो या बॉय की एजुकेशन हो, दोनों को इक्वली ट्रीट करो, सेक्स के इर्द गिर्द ही मत रह जाओ इफ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर वाकई में आपको किसी को जज करना है तो आप इस चीज से जज करो कि वो दूसरों के साथ कैसा ट्रीट करता है। आपको आपके पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, वो आपको कैसा ट्रीट करेगा, ये बात उस बात के रिफ्लेक्शन में नजर आएगा जब आप देखोगे कि वो अपने आसपास के लोगों को कैसा ट्रीट करती है या करता है, उसका नेचर कैसा है, उसके अंदर पेशेंस कितने हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कितना है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका करियर क्या है, करियर गोल्स क्या है, आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में सोचो, जज करो, वहां जज करो जहां जरूरत है वाकई। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, गर्ल्स टॉक की वीडियोस देखना चाहते हो तो बी नेचुरल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर दो, मेल कर दो, डीएम कर दो, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहां मेरी लाइफस्टाइल और प्रेगनेंसी ब्लॉगिंग हम शेयर कर रहे हैं फिलहाल, एंड 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, डिलीवरी के लिए बस कुछ हफ्ते ही रह गए हैं। सो अगर आप मेरा बर्थ ब्लॉग देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब अस ऑन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, thanks for watching guys, I'll catch you again, till then bye.